भाई स्टेशन देख रहे हो क्या? बवाल बड़ा स्टेशन है यार, इतना तेज चल रहा है ना कि कान जम जम जा रहा है। जैसे प्लेन जाता है तो प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है तो कान वान नहीं जम जाता है, एकदम लगता है वैक्यूम क्रिएट हो गया अंदर। ये नल में कहीं मेरे को दिख ही नहीं रहा है, ना ऑटोमेटिक आता है ना ऐसे घुमाने से आता है। पता है इसमें पानी कैसे आएगा? ये नीचे पैडल है, इस पैडल को दबाओ। So good morning दोस्तों, to another video in South Korea and my third last day here in South Korea. आज हम लोग वापस जा रहे हैं बुसान से सियोल, और वो भी बुलेट ट्रेन लेके, यहाँ का फास्टेस्ट ट्रेन। भाई 320 किलोमीटर का जर्नी सिर्फ ढाई घंटे में वो कवर करने वाला है, और आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना, जो इतना फास्ट ट्रेन है उसका अलग ही मजा होता है। एंड कोरिया का जो रेल सर्विस है उसका नाम है कोरेल, और कोरेल का ये ट्रेन का जो नाम है, जो हाई स्पीड ट्रेन है, इसको बोलते हैं KTX कोरिया में। तो ये KTX अभी नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। मतलब 300 तक स्पीड टच करता है भाई। इसका प्राइस था 53,901 और हमने लिया है रेगुलर वाला, और इसके ऊपर भी इसमें मिलता है फर्स्ट क्लास। तो ले लिया भाई टिकट कल सुबह 10 बजे का, इकोनॉमिक क्लास का लिया। इकोनॉमिक क्लास का प्राइस पड़ा मुझे 59,801 और फर्स्ट क्लास का प्राइस था 83,701। और ये ट्रेन हमें सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचा देगी सियोल। बुलेट ट्रेन है, 300 का स्पीड तक शायद टच करता है। हम लोग आए थे प्रीमियम बस से, बस का जो टॉप एंड वाला होता है ना, जो एकदम फ्लाइट का बिजनेस क्लास जैसा सीट बन जाता है, उसका पड़ा था मुझे 43,901। तो उससे भी 10,000 won इस वाले टिकट का ज़्यादा है प्राइस। 9:28 हो रहा है, मेरा ट्रेन है 9:57, जस्ट नीचे ही है। मतलब नीचे उतर के जस्ट चेकआउट करेंगे अभी 5 मिनट में, और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे स्टेशन। और एक और KTX के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, तो कोरिया में लोग ना रिजर्वेशन प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए कुछ भी अगर बुक कर रहे हो ना, तो एक आध दिन पहले जाके रिजर्व कर लो, नहीं तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आपका सीट्स कभी कभी बुक हो जाएगा और आपको मिलेगा नहीं, तो फिर आपका 3-4 घंटे बाद का कोई ट्रेन मिलेगा तो आपका आइटिनरी हिल डुल सकता है। तो इसीलिए मैं कल जाके KTX का लिया था, इसीलिए बस भी मैं पहले लिया था। हालांकि जो बस से मैं आया था वो ऑलमोस्ट खाली ही था, तो वो वाला बस अगर मेरे को लेना होता उस दिन भी जाके ऑन द स्पॉट तो मेरे को मिल जाता। आई थिंक अभी शोल्डर सीजन चल रहा है, सितंबर उतना हैवी सीजन नहीं है, तो आई थिंक इस टाइम पे आओगे तो मे बी KTX भी उसी टाइम पे इमीडिएटली मिल जाए। टाटा बाय बाय बैग पैक, ये वाले व्यू को बाय बाय। स्मूथ प्रोसेस था चेकआउट का, मतलब बस की कार्ड डाल दो और निकल लो। पता है इन लोग का ना, 2-3 चीज मेरे को बहुत ही अजीब लगा। जैसे अगर टूथब्रश टूथपेस्ट लेना है तो नीचे वेंडिंग मशीन लगा हुआ है, वेंडिंग मशीन से आप निकाल के पैसे देके ले लो। वेंडिंग मशीन में टूथब्रश और टूथपेस्ट मिल रहा है भाई। खैर ऐसे बातें करते करते निकले, ये देखो ये जो आ गए ना, ये है KTX स्टेशन जस्ट एकदम सामने, वो मेरा पीछे होटल और ये स्टेशन। वो वाला है मेरा KTX नंबर 24। क्या अलग ही लेवल का एडवांस है जगह है यार, मतलब बड़ा बड़ा, इतने मस्त मस्त बेकरीज, खाने के दुकानें, चटर पटर दुकानें बहुत भरी भरी हैं। कॉइन लॉकर्स भी है यहाँ पे, अगर आपको लॉकर वगैरह में अपना सामान रख के कहीं जाना है तो बड़े बड़े लगेजेस तक का भी स्टोरेज हो जाता है यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा बड़ा लगेज भी आप यहाँ पे स्टोर करके कुछ देर के लिए अगर आ रहे हो घूमने के लिए तो आप जा सकते हो पैसे दे के। यही है मेरा सीट, एंटर करते ही यहाँ पे। और ट्रेन में मेरे
बगल में कोई नहीं आया और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है भाई। 9:57 था टाइम और उसी टाइम पे निकल पड़ी। चल तो दिया एकदम टाइम से और ये एकदम टाइम से चलती भी है जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ वगैरह में देखा था और वीडियोस वगैरह में देखे थे। बाकी यार सीट अच्छा है, रिक्लाइन है, लेकिन उसने मुझे एकदम पीछे वाला सीट दे दिया। मुझे लगा कि यार क्या ख़राब होगा, लेकिन इधर से बैठ के वीडियो बनाने में सही है, नहीं तो पीछे से कोई देख नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है। और ये वाला लास्ट वाला सीट भी अच्छा खासा मतलब रिक्लाइन है इसमें भी। बाकी आपका ट्रे टेबल बहुत बड़ा है, मतलब अच्छा खासा आप खाना पीना रख के मतलब पूरा मील खा सकते हो, इतना बड़ा ट्रे टेबल है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाना तो लिया है, तो खाएंगे जर्नी के व्यूज़ देखते देखते, एंजॉय करते करते। ट्रेन में तो हमेशा मज़ा ही आता है ना, कुछ भी कर लो ट्रेन सबसे अच्छा होता है। कि इसमें बाहर लगेज स्टोरेज भी है, लेकिन वो वाला फुल था वहाँ पे रखने के लिए, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया तो इसलिए। लेकिन खैर उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर ऊपर भी लगेज स्टोरेज का पूरा रखा हुआ है, जैसे देख रहे हो मैंने अपना लगेज वहाँ पे रख दिया है, एक वहाँ पे और एक वहाँ पर। एंड दूसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा वो फील आ रहा है अपना जो वंदे भारत नहीं है, वंदे भारत में भी इसी टाइप का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है सीट, लेकिन वो तो 3x2 है, ये 2x2 है, ये थोड़ा और पतला है, लेकिन फील वैसा ही है, सीट भी उसी टाइप का है। बस ये लोग खाना नहीं देते, जैसे हमारे में खाना मिलता है, ये लोग खाना नहीं देते, आप अलग से ला के आपको खाना पड़ेगा। और एक और चीज़ बताओ, एसी वेंट कहाँ हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये देख रहे हो, ये है इसका एसी वेंट, एकदम मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। अब आ गए हम लोग KTX का टॉयलेट, टॉयलेट का रिव्यू करते हैं। भाई मस्त टॉयलेट है, मतलब अपने इंडिया के ट्रेन जैसा टॉयलेट नहीं है, ये एकदम एयरप्लेन वाला टॉयलेट है भाई। इधर देख रहे हो, इधर एक मिरर, मिरर में लाइट वगैरह लगा हुआ है और पीछे भी मिरर। अच्छा सा हाथ धोने का कल है, साबुन है और वेट टिश्यू, मतलब टिश्यू नहीं है, टिश्यू पेपर है। और ये भी काफ़ी क्लीन सा टॉयलेट है। बस अगर आपको पॉटी लग रहा है तो कोरिया में धोने के लिए कुछ नहीं होता है, टिश्यू पेपर से साफ़ करो, नहीं तो मेरे पास जो है आप वो ले सकते हो, मेरे पास है अमेजोन से लिया हुआ ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक जेट स्प्रे, मतलब पोर्टेबल जेट स्प्रे मेरे पास है, तो उसी से मैं पच पच करके पानी मारता हूँ और सही हो जाता है। लेकिन खैर वो तो दूसरा चीज़ हो गया। एक मस्त चीज़ दिखाते हैं, इस ट्रेन में मज़ा आया, इसको फ्लश कैसे करते हैं इस पानी को पता है? ये इधर पैडल है, पैडल दबा के फ्लश करो। क्या गजब नहीं है, पैडल से फ्लश। फिर इधर भी ये नल में कहीं मेरे को दिख ही नहीं रहा है, ना ऑटोमेटिक आता है ना ऐसे घुमाने से आता है, पता है इसमें पानी कैसे आएगा? ये नीचे पैडल है, इस पैडल को दबाओ तो इधर से पानी निकलेगा। इतना तेज चल रहा है ना कि कान जमम जा रहा है, जैसे प्लेन व्लेन जाता है तो प्लेन व्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है तो कान वान नहीं जम जाता है, एकदम लगता है वैक्यूम क्रिएट हो गया अंदर, तो इधर भी वैसा ही हो रहा है, पूरा वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जा रहा है, फिर कर करके मेरे को क्लियर करना पड़ रहा है, एकदम झुक 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 करके भाग रहा है, एकदम पेड़ पौधे तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या है भाई, मस्त एकदम थंधना के भाग रहा है पूरा स्पीड में एकदम। आखिरी का 15 मिनट के लिए मेरे को फाइनली ये वाला विंडो वाला सीट दोबारा से मिल गया। ये सेकेंड लास्ट स्टॉप है, इसके बाद लास्ट स्टॉप अभी 10 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं सियोल। टाइम था एकदम 12:33 डॉट पे उसने पहुंचा दिया, तो डिलेज वगैरह तो कुछ नहीं था। बाकी यार एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था, जैसा अपना वंदे भारत होता है ना, एकदम वंदे भारत जैसा ही फील था, बस खाना पीना अलग था, सीट्स वगैरह एकदम सब सेम टू सेम था, बस स्पीड बहुत ज़्यादा था। और स्पीड वैसे सब टाइम ही 300 के स्पीड पे नहीं चलता है, बीच में बहुत धीरे धीरे छुक 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 ट्रेन लाइन पे भी चलती है, और कभी तो एकदम तड़तड़ा के भागते, जब तड़तड़ा के भागते तो पता चल जाता है कान वान पूरा जम जाता है।
लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था। पता है यहाँ पे ना लोग जैसे योंगजू के बाद से ना एक चू चपार किसी के मुंह से नहीं निकला भाई, सब शांत थे। तो इतना रिलैक्सिंग जर्नी था ना, मतलब ढाई घंटा कैसे ही निकल गया आपको पता ही नहीं चला, मतलब एकदम ही शांत शांत। आधा टाइम तो सो गया मैं, और मतलब इट वॉज अ नाइस जर्नी। और मैं बोलूँगा कि यार यही वाला मतलब ढाई घंटे का ही होता है, और ये इकोनॉमिक क्लास भी अच्छा खासा कंफर्टेबल था, मतलब सीटिंग स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा था, तो ये वाला ही ले सकते हो। और बुलेट ट्रेन के हिसाब से इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता था, मतलब मेरे को 3700 रुपीज़ का पड़ा, और चार साल पहले मैंने जापान में लिया था बुलेट ट्रेन, ऑलमोस्ट सिमिलर किलोमीटर डिस्टेंस का, वो मेरे को पड़ा था 6.5 से 7 हज़ार रुपये के अराउंड था उस टाइम पे। सोचो उस टाइम पे 4 साल, और अभी ये 3700 का है, तो दिस इज़ क्वाइट चीप फॉर अ बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस। और सीट्स का मैं बता रहा था, तो आपको पहले से रिजर्वेशन करना होता है। अगर आप रिजर्वेशन नहीं करो तो इनके कोच में एक बोगी रहता है जो अनरिजर्व्ड होता है, शायद उसमें अगर आपको जगह मिले तो आप जाके बैठ सकते हो। और ये लोग स्टैंडिंग टिकट्स भी बेचते हैं कि मतलब आप खड़े हो के जाओ, लेकिन आई थिंक वो स्टैंडिंग टिकट सभी बिकता है जब मतलब ट्रेन फुली बुक हो जाए, तब आपको मिलेगा स्टैंडिंग टिकट। और स्टैंडिंग टिकट के साथ आप अगर आपको कोई खाली सीट मिल जाता है तो आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हो, और उस टाइम और उस सीट वाले में अगर कोई नहीं आए तो आप बैठे रहो, लेकिन कोई आए तो आपको सीट छोड़ देना पड़ता है ये। एंड लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब कोई टिकट ही नहीं चेक किया। यहाँ एंट्रेंस भी ऐसे ही है स्टेशन पे, मतलब ऐसा नहीं कि मेट्रो में जैसे टैप करके घुसना होता है ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट जाके स्टेशन पे चले जाओ, ट्रेन पे चढ़ जाओ। ट्रेन पे कोई नहीं आया टिकट चेक करने के लिए, पूरे ट्रेन जर्नी में कोई टिकट चेक नहीं किया, अभी भी बाहर निकल गया यहाँ भी कोई टिकट चेक नहीं किया। भाई गजबी ट्रस्ट पे चल रहा है ज़िंदगी यहाँ पे। तो बाकी यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, अभी थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, और अब तो सोल का भी बचा हुआ है घूमना, तो सोल भी घूमेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक दो, और सोल का बाकी वीडियोस भी देखना है ना तो सब्सक्राइब करके बेल दबा दो, ताकि जैसे ही आए वो आप पटाख से देख पाओ। ठीक है, चलो बाय।